स्टूडेंट्स, क्या हाल है? सब ठीक हो? तो स्टूडेंट्स, मैं हूँ राणा उस्मान MLV की तरफ से। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, बहुत ही इजी से है, बस थोड़ी सी थ्योरीज में ज़्यादा है, एक दो लाइन ज़्यादा बस। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, अपनी दूसरी स्लाइड की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या रखा हुआ है। तो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट। टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स दो तरह के टाइप्स ऑफ एलिमेंट है। ठीक है, पहला ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, दूसरा इनलाइन एलिमेंट्स। अब ब्लॉक लेवल पढ़ते हैं हम पहले। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स स्टार्ट फ्रॉम न्यू लाइन। अच्छा, इसमें सिर्फ इतना सा बताया गया कि जो से ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं ना, वो हमेशा दूसरी लाइन से स्टार्ट होते हैं। जब पहला खत्म होता है तो दूसरा दूसरी लाइन से स्टार्ट होता है। लाइक H1। H1 क्या है? हेडिंग। गाइज, हेडिंग जब हम लिखते हैं, जब H1 का टैग दे के हम नेक्स्ट पैराग्राफ लिखते हैं, तो आपको पता होगा कि हम निचली लाइन में आ जाते हैं, सेकेंड लाइन में आ जाते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ठीक है, जिसमें हम ज्यादातर यूज करते हैं H1 फॉर्म, LIOL UL P प्री टेबल DBTC, ये वाले सारे टैग हम यूज करते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में। और इनलाइन एलिमेंट में क्या करते हैं हम? इनलाइन एलिमेंट है क्या? इनलाइन एलिमेंट आर नॉर्मली डिस्प्लेड विदाउट एनी लाइन ब्रेक। इनलाइन एलिमेंट वो होते हैं जिसमें कोई भी लाइन ब्रेक नहीं होती। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बीवा बोल्ड, ए स्ट्रॉन्ग, इमेज इनपुट एम्फेसाइज एंड स्पेन। ठीक है, सिर्फ ये वाले होते हैं इनलाइन में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिव एलिमेंट। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं डिव। ठीक है, डिव एलिमेंट इज अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। जैसे मैं पिछली स्लाइड में पढ़ा कि डिव एलिमेंट एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। डेट इज ऑफन यूज्ड इन कंटेनर फॉर अदर HTML एलिमेंट्स, जो कि हम कंटेनर की तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, लाइक व्हेन यूज्ड टुगेदर विद सम CSS स्टाइलिंग, द डिव एलिमेंट कैन बी यूज्ड टू स्टाइल ब्लॉक ऑफ कंटेंट। ठीक है, कह रहा है कि जब हम इसे CSS की स्टाइलिंग में यूज करेंगे तो ये एक ब्लॉक बनाएगा हमारे लिए। ठीक है, ब्लॉक तैयार करेगा जिसका कोड हमने लिखा हुआ है यहाँ, HTML बॉडी हेडिंग और डिव का टैग दिया हुआ है। डिव में हमने लिखा हुआ है स्टाइल, स्टाइल इक्वल है बैकग्राउंड कलर है उसे दिया हुआ है, और उसे कलर बैकग्राउंड कलर दिया है, फिर उसे कलर दिया है, फिर पैडिंग दी है। सिर्फ इसमें ये हम डिव यूज करते हैं, सिर्फ डिव का ये टैग है। इसे हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे। पहले देखते हैं लास्ट वाली हमारी स्लाइड है स्पैन की। ठीक है गाइस, स्पैन एलिमेंट क्या है? ये है इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, इनलाइन से आपको पता तो चल गया होगा कि ये ब्लॉक लेवल नहीं है, ये इनलाइन है, ये हमें सेकंड लाइन नहीं प्रोवाइड करता है, एक ही लाइन में सब कुछ लिखता है। ठीक है, तो सिंपल टेक्स्ट व्हेन यूज्ड टुगेदर विद सम CSS स्पैन एलिमेंट कैन बी यूज्ड टू स्टाइल पार्ट ऑफ द टेक्स्ट। ये एक पार्ट, एक टेक्स्ट के पार्ट को, सिर्फ एक एक पार्ट को ना, हम उसका कलर चेंज करने के लिए यूज करते हैं, या उसके ऊपर कुछ भी हमने अगर लागू करना हो ना, कोई रिस्ट्रिक्शंस लागू करनी हो, तो हम सिर्फ उसको यूज करने के लिए हम ये यूज करते हैं। ठीक है, स्पेन अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो आप तो ज्यादा समझ आएगी। तो हम चलते हैं ड्रीमवीवर की तरफ। यहाँ हम फाइल क्रिएट करते हैं, नहीं, ये लेक्चर नंबर 6 ओपन है, हम न्यू लेक्चर ओपन करते हैं। लेक्चर सेवन स्टार्ट कर दिया, और अब हम यहाँ लिखने वाले हैं। पहला हमने टैग पढ़ा था डिव वाला, अभी HTML हो गया, अभी हमने करना है डिव। डिव में हमने क्या लिखा था गाइस? डिव, हम डिव की तरफ चलते हैं, और डिव पहले हेडिंग हम लिखते हैं, हेडिंग 1। डिव अभी नहीं लिखनी, हेडिंग 1 में लिखते हैं लेक्चर नंबर 1। ठीक है, अब हम यूज करने वाले हैं डिव स्टाइल। स्टाइल इक्वल है बैकग्राउंड कलर के, ये आ गया बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हम रख लेते हैं ये क्रिमसन, और अभी हम यूज करने वाले हैं कलर को। कलर हम यूज करेंगे कलर एक्वा यूज कर लेते हैं।
अब हम यूज करने वाले हैं पैडिंग, इसकी पैडिंग 2px लिखी हुई है। तो गाइज ये हो गया, अभी ये डिव हमने क्लोज नहीं करनी, इस डिव के अंदर हमने पैराग्राफ लिखने हैं दो, पी पैराग्राफ आई एम अ लेजेंड। सेकंड में हम लिख लेते हैं आई एम नॉट लूजर। ओके गाइस, तो अब हम इसे सेव करते हैं। गाइस आपको पता है हम सेव कहाँ करते हैं, सेव ये जहाँ हमने पहले लेक्चर सेव किए हुए हैं बिल्कुल उसी जगह पे हम सेव करेंगे लेक्चर लेक्चर 7। गाइस ये सेव हो गया, अब हम इसे रन करने की कोशिश करते हैं। तो गाइस ये देखें, बिल्कुल ये है ब्लॉक लेवल, ठीक है। ब्लॉक लेवल मतलब कि एक ब्लॉक बना दिया उसने और उसके अंदर उसने ये लिख दिया है, ठीक है गाइस। और ये हमने ब्लॉक पढ़ लिया और डिव का इस्तेमाल पढ़ लिया, डिव हम ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। अब गाइस हम पढ़ने वाले हैं स्पेन, स्पेन हम कैसे यूज करेंगे। इसके बिल्कुल नीचे हम स्पेन यूज करेंगे, इस डिव के बिल्कुल नीचे। यहाँ से हम लेते हैं ब्रेक, एक और लेते हैं, एक और लेते हैं, हमें कौन सा ब्रेक आता है, तीन ब्रेक ले ली। तो गाइस अब हम करने वाले हैं स्पेन का यूज। तो स्पेन का यूज गाइस बहुत ही ईजी होगा। सबसे पहले हम एक पैराग्राफ लिखेंगे, पैराग्राफ के अंदर हम आई थिंक कोई प्रॉब्लम हो गई गाइस, एक मिनट। अच्छा तो गाइस अगर हम चाहते हैं कि ये जो सा कलर है ये इतनी सी लाइन का सिर्फ कलर चेंज हो, तो गाइस हम स्पेन यूज करते हैं। अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ स्पेन। अभी हम इसे क्लोज करेंगे बिल्कुल लास्ट में, जी अपनी लाइन के लास्ट में जहाँ तक हमने यूज़ करना है। अब स्पेन के अंदर हम बिल्कुल वही जैसे हमने डिप का यूज़ किया, जैसे हमने डिप का यूज़ किया गाइस, स्पेन के अंदर हम स्टाइल के टैग देंगे। स्टाइल का टैग बेसिकली गाइस हम यूज़ करते हैं, आपको पता तो होगा, CSS के लिए, ठीक है। अब हम इसका कलर चेंज करते हैं, कलर दे दिया इसे येलो का। ओके गाइस येलो ग्रीन, बस येलो ग्रीन का कलर दे देते हैं। और अब फिर अब हम देखते हैं कि क्या होता है। तो गाइस अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी हम इसे रिफ्रेश करेंगे तभी कुछ होगा। तो गाइस आपको नजर आ रहा होगा कि थोड़ा सा कलर चेंज है। ओके गाइस सिर्फ इसलिए हम स्पेन यूज करते हैं गाइस, ठीक है। आज का हमारा लेक्चर बिल्कुल छोटा सा और इतना सही था, ठीक है। मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये आपको करने पे, ज़्यादा से ज़्यादा करने पे आपको समझ आएगी, ठीक है। अगर मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, थ्योरी समझाता रहूँगा, तो आई थिंक आप बोर हो जाओगे, मे बी आप अभी भी बोर हो रहे हो। तो गाइज मेन चीज़ ये है कि आप इसे खुद करो जितना कर सकते हो गाइज, ठीक है। कोडिंग करने से आती है, थ्योरी पढ़ने से आई थिंक आपको काम आएगी जितनी आपको करने से आ जाएगी। आपको एरर्स जितनी ज़्यादा एरर मिलेंगे उतनी ही स्ट्रॉन्ग आपकी कोडिंग पे ग्रिप होगी। ओके गाइस, तो गाइस आज का लेक्चर हमारा बिल्कुल शॉर्ट सा था, तो गाइस मेरी इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है। जो भी देख रहा है पहले तो ये लाइक करे वीडियो, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो का थोड़ा सा वेट करो। ओके गाइस अल्लाह हाफिज़।